बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आज हम C++ में फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम बनाएंगे। फैक्टोरियल वाला प्रोग्राम C++ में, आइए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट हेडर फाइल से करते हैं, ऐश इंक्लूड आईएसट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एसटीडी int main। यहाँ दो वेरिएबल लेते हैं, एक लेते हैं j के नाम से, जहाँ हम यूज़र से इंट करवाएंगे वैल्यू, और एक इंट i के नाम से ले लेते हैं, i को असाइन कर देते हैं 1, क्योंकि अगर हम 1 असाइन नहीं करते तो वो बाई डिफ़ॉल्ट 0 होता है। सी आउट, यहाँ यूज़र से इनपुट वैल्यू करवाते हैं, एंटर ए वैल्यू फॉर फैक्टोरियल, सी इन कर देते हैं जे को। अब यहाँ हम करेंगे स्टेटमेंट, लिखेंगे आई इक्वल टू आई मल्टीप्लाई जे। अब यहाँ देखें, अगर हम यहाँ वैल्यू कोई नहीं देते तो यहाँ वैल्यू बाई डिफ़ॉल्ट 0 होती, जब हम आई को इससे मल्टीप्लाई करना होता तो आई में 0 होता। फॉर एग्ज़ाम्पल, इधर यूज़र ने 5 एंटर किया है, अब जे में 5 आ गया है, जे में ये वैल्यू स्टोर होगी, जब आई में 0 होगा, 0 मल्टीप्लाई जे वो बराबर हो जाएगा 0 के, आई में 0 आ जाएगा, वो हम लाना नहीं चाह रहे, इसलिए हमने वहाँ वैल्यू ऊपर 1 दी थी। अब वाइल लूप लगाते हैं, वाइल जे ग्रेटर दैन 1, इसका मतलब है जब तक जे की वैल्यू 1 के इक्वल नहीं आ जाती, या जब तक 1 से बड़ी रहती है तब तक ये लूप चलता रहेगा। अब जे में एक डिक्रीमेंट करते हैं, जे माइनस माइनस, फिर हम ये ऊपर वाली स्टेटमेंट यही दोबारा लिखते हैं एज इट इज़। अब हम देखते हैं हमने ये सारी स्टेटमेंट क्यों लिखी हैं। अब यहाँ फॉर एग्ज़ाम्पल, यूज़र ने 5 एंटर किया है, 5 एंटर करके इसमें आएगा, 5 एंटर किया है तो इसमें आएगा, इसमें 1 है, इसमें 5 है, तो आई में 5 आ जाएगा, जे में 5 एंटर पड़ा हुआ है, तो यूज़र ने जे में 5 एंटर किया है, यहाँ डिक्रीमेंट होकर आएगा 4। अब आई में पड़ा हुआ है 5, जे में पड़ा हुआ है 4, तो आई को जब मल्टीप्लाई होगा आई और जे, तो इसकी वैल्यू 20 हो जाएगी, 20, जे की वैल्यू अब 4 है, दोबारा लूप ऊपर जाएगा, कंडीशन ट्रू होगी, फिर नीचे आएगा, यहाँ वैल्यू 3 हो जाएगी इसकी। अब आई में 20 पड़ा हुआ है, इसमें अब 20 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि जे में 3 हो गया है, 60, आई में अब 60 स्टोर हो गया है, जे की वैल्यू अभी 3 है, यहाँ ऊपर गया, जे की वैल्यू 3 1 से बड़ी है, फिर नीचे आएगा, यहाँ 2 रह गया है, जब यहाँ 2 पड़ा हुआ है तो इसका मतलब है कि अभी तक जे खत्म नहीं हुआ, जे की वैल्यू 2 है, इसमें 60 है, अब 60 मल्टीप्लाई 2 120, फिर लूप पर जाएगा, यहाँ वैल्यू अब 2 है, 2 बड़ा है 1 से, कंडीशन ट्रू है, अब फिर ये जे में आएगा, जे में इसकी आगे वैल्यू हो जाएगी 1, अब जे में 1 पड़ा हुआ है, आई में 120 है, अब 120 मल्टीप्लाई 1, 120 कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, अब 120 है, जब ऊपर जाएगा जे की वैल्यू 1 है, अब 1 बड़ा नहीं हो सकता, 1 से इक्वल है, कंडीशन फॉल्स होगी, इसलिए ये लूप बाहर आ जाएगा। हम यहाँ सिंपल स्टेटमेंट लिख लेते हैं, फैक्टोरियल इज, किस में पड़ा हुआ है, आई में। चलिए प्रोग्राम चला के देखते हैं, कोई एरर, होपफुली कोई एरर नहीं होगा इसमें। अभी कंपाइल हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल, हमने 5 एंटर किया, फुल इज 120, ठीक आ रहा है आंसर, बड़ा इनपुट लेके देखते हैं, 3 किया, आंसर 6 आ गया, ठीक है, इसका मतलब हमारा प्रोग्राम ठीक काम कर रहा है। तो होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें, शुक्रिया। हाँ, यहाँ हम रिटर्न 0 भी लिख सकते हैं, उसका ना भी लिखा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता।